नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली के पॉश वसंत विहार इलाके में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। घर के अंदर बुजुर्ग दंपति की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। नौकरानी का भी गला रेता गया। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक हत्या लूटपाट के इरादे से नहीं की गई। इस वारदात में ताजा अपडेट यह है कि पुलिस को हत्या के पीछे किसी करीबी के होने का शक है। पुलिस लूट की थ्योरी को खारिज कर रही है। बुजुर्ग दंपति का गला किसने रेता? बुजुर्ग दंपति से किसकी दुश्मनी थी? फ्लैट में नौकरानी की हत्या, एक फ्लैट में बेरहमी से तीन कत्ल से पूरी दिल्ली सहमी हुई है। राजधानी के पॉश वसंत विहार इलाके में फ्लैट के अंदर तीन लाशें मिली, जिनकी गला रेतकर हत्या की गई थी। फ्लैट में बुजुर्ग विष्णु माथुर, उनकी पत्नी शशि माथुर की बेरहमी से हत्या की गई थी। बगल में ही नौकरानी की खून से सनी लाश भी पड़ी थी। घर का सामान बिखरा पड़ा था। के वक्त जब यहाँ पर इस दंपति के यहाँ एक नौकरानी जो है, दूसरी नौकरानी वो काम करती थी, वो जब सुबह के वक्त यहाँ पर पहुंची है, जब उसने दरवाजा खोला है, चूंकि दरवाजा बाहर से लॉक था, जब दरवाजा खोलकर अंदर गई है तो वहां पर बुजुर्ग दंपति और उनकी नौकरानी की लाश पड़ी हुई थी, जिसके बाद इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी गई। आप देख सकते हैं इस समय पुलिस की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है, मामले की तफ्तीश की जा रही है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। ऐसे में पुलिस अंदाजा लगा रही है, पुलिस को शक है कि लूट के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक वारदात वाले फ्लैट में फ्रेंडली एंट्री हुई है, मतलब हत्यारे जान पहचान के हो सकते हैं। पुलिस के मुताबिक हत्या लूटपाट के इरादे से भी नहीं लग रही है। हम इस एंगल पे काम कर रहे हैं कि क्या कोई एक्वेंटेंस ने एंट्री करी है जो कि इस डोमेस्टिक हेल्प को जानता रहा हो, और ऐसी हम सबसे पहले इस एंगल पे काम कर रहे हैं, और अभी तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, सो कोई भी एंगल को बंद नहीं किया है, सो ऑल पॉसिबिलिटीज पे पुलिस टीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं। अब पुलिस इस ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री के हर पहलू की जांच कर रही है। पुलिस ये भी जानने में जुटी है कि कहीं इस मर्डर मिस्ट्री में मृतक मेट के किसी करीबी का हाथ तो नहीं है। आखिर घर में किसने फ्रेंडली एंट्री ली? क्या बुजुर्ग दंपति की किसी से पुरानी रंजिश थी? अगर लूटपाट के इरादे से हत्या नहीं की गई तो फिर घर का सामान क्यों बिखरा हुआ था? और जो अंदर डाइनिंग हॉल है और ड्राइंग रूम है, उसमें मेड उल्टी पड़ी हुई थी, उसका ब्लड वलड निकला था, पता नहीं गला काटा या क्या काटा, वो उसको मारा हुआ था किचन के अंदर, वहाँ पर जो डाइनिंग हॉल है। अंकल रिटायर्ड थे, दोनों रिटायर्ड थे। अंकल जो है ना वो अपने सीजीएचएस से रिटायर्ड हुए हैं, फार्मासिस्ट, और सिस्टर जो है ना वो नर्स थी वहाँ एनडीएमसी में। बुजुर्ग दंपति और नौकरानी के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी हुई है। विष्णु माथुर और शशि माथुर दोनों सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे। इस बुजुर्ग दंपति की एक बेटी और दामाद दिल्ली में ही रहते हैं। पुलिस रिश्तेदारों और पास पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। पास पड़ोस के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है, जिससे इस ट्रिपल मर्डर को सुलझाया जा सके और वसंत विहार में बुजुर्ग दंपति और नौकरानी के मर्डर मिस्ट्री के मास्टरमाइंड को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। अमरदीप कुमार के साथ अनुज मिश्र, दिल्ली। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।